नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है दोस्तों, मार्च का लास्ट वीक चल रहा है और गर्मी बहुत बढ़ने लगा है। अभी हमारे ओडिशा में 41 डिग्री के ऊपर जाने लगा है पारा, और आपके एरिया में कितना जा रहा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया के सारे जगह पे दोस्तों अभी गर्मी का मौसम आ गया है। और गर्मियों में ऐसे कौन सा प्लांट लगाने चाहिए दोस्तों जो कि कम मेंटेनेंस पे भी धमाका करेंगे और आपके गार्डन को फूलों से भरे हुए रखेंगे, आइए देखते हैं। पहला दोस्तों है आपका चांदनी का डबल वैरायटी, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये दोस्तों व्हाइट कलर में रहता है और मल्टीपेटल चांदनी है और बहुत लाइट सेंट आता है इसमें से। और देखिए जैसे ही गर्मी आ गया इसमें ग्रोथ आना शुरू हो गया और बर्ड्स भी देखिए बहुत जोरदार बर्ड्स है। और ये दोस्तों आपका 40-45 डिग्री को भी झेल लेगा क्योंकि गर्मी पसंद प्लांट है और पानी भी बहुत कम मांगता है दोस्तों। ये प्लांट का देखिए चारों तरफ बर्ड्स ही बर्ड्स दिखेगा आपको। ये देखिए इसका फूल भी दोस्तों कमाल का दिखता है और फूल लास्टिंग भी करता है आपका 5 से 6 दिन, तो बहुत बढ़िया चॉइस है। और देखिए इसका बर्ड्स भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं और इसका ड्वार्फ भी आता है, लेकिन ये बड़ा वैरायटी बहुत बढ़िया दिखता है, व्हाइट गुलाब जैसा ही आपको दिखेगा। और ये देखिए दोस्तों चांदनी का सिंगल वैरायटी, ये तो सब जगह पॉपुलर है और आप लोग जानते भी होंगे, आपके पास भी होगा ये, और बहुत ही कॉमन वैरायटी है ये और इंडियन क्लाइमेट के लिए बेस्ट प्लांट माना गया है दोस्तों इसे। और समर में तो इसका बहुत जोरदार फ्लावरिंग होता है और ये बहुत सस्ते में आपको नर्सरी में मिल जाता है। इसका अभी ड्वार्फ वैरायटी भी निकलने लगा है, वो भी आप लगा सकते हैं गमले में। और ये प्लांट भी दोस्तों लो मेंटेनेंस वाला है और स्टेम कटिंग के थ्रू भी प्रोपागेट हो जाता है दोस्तों। पानी बहुत कम रिक्वायर करता है और बहुत ज़्यादा फूल लेने वाला पौधा होता है, तो इसे आप अपने विश लिस्ट में जरूर रखिए अगर नहीं है तो। गुलाब दोस्तों अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी ऐसे कुछ गुलाब हैं जिन्हें आप लगाएंगे तो पूरे समर ये आपको फूल देंगे, जैसे कि आपका समर स्नो। देखिए समर स्नो अभी भी जोरदार फ्लावरिंग पर है और इसका पेटल भी दोस्तों बर्न नहीं होता है, और इसे अगर आप पानी ठीक से देते हैं तो पूरे गर्मी ये आपको फूल देगा और इसका पत्ता भी नहीं जलता है और पेटल भी नहीं जलता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, हीट टॉलरेंस वाला वैरायटी बोलूँगा मैं। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, सर ऐसा वैरायटी बताइए जो कि हर महीने हमको फूल देता है गुलाब का, तो समर स्नो ही वो वैरायटी है दोस्तों। बाकी गुलाब मैं आपको दिखाऊंगा, उसका पेटल सब बर्न होने लगा है और तेज धूप को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ग्रीन नेट के नीचे या फिर कहीं रखना पड़ता है, लेकिन ये पूरे सन में है और फूल सनलाइट को झेल रहा है दोस्तों। और देखिए फूलों से खचाखच भरा हुआ है। और ये बाकी गुलाब देखिए इसका पेटल कैसे बर्न हो रहा है, देखिए इसके पास ही है दोस्तों, लेकिन ये गर्मी को झेल नहीं पाते हैं, लेकिन समर स्नो झेल जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ओलेंडर का व्हाइट वैरायटी ड्वार्फ है दोस्तों, ये भी बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है और 40 डिग्री के ऊपर भी देखिए इसका फूल नहीं जल रहा है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है, बंचेस में इसका फूल आता है। और रात को मैं इसीलिए शूटिंग कर रहा हूँ क्योंकि दिन में शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों, बहुत तेज धूप आ रहा है। और इसका पिंक भी है मेरे पास, देखिए पिंक दिखा रहा हूँ, और पिंक भी जोरदार फ्लावरिंग पर है और पूरे गर्मी ये फूलों से भरे हुए रहते हैं। इसका देखिए हर ब्रांच पे आपको फूल दिखेगा और छोटा छोटा फूल लेकिन बंचेस में आता है और बहुत प्यारा दिखता है। व्हाइट तो मुझे ज़्यादा पसंद है दोस्तों, व्हाइट स्टार जैसा ही आपको दिखेगा ये। यहाँ पे देखिए और एक फ्लावर प्लांट है, इसे भूटान मल्ली, श्रीलंकन टगर भी बोलते हैं, आर्कटिक स्नो इसका नाम है दोस्तों इंग्लिश नेम, और ये भी गर्मियों में चलने वाला फूल का पौधा है। और देखिए इसमें भी बर्ड्स आना शुरू हो गया है और इसका फ्लावर दोस्तों सेंटेड नहीं होता है, ये देखने पर सेंटेड जैसा ही दिखता है लेकिन सेंटेड नहीं होता है। और इसका फूल भी देखिए बहुत सारा आने वाला है और हर डाली पे आपको इसका फूल दिखेगा, तो ये भी एक बढ़िया चॉइस है आपके लिए। अगर ये प्लांट आपको मिलता है तो ज़रूर लेना चाहिए, अभी समर में ये आपको बहुत सारा फूल देने वाला है। ये देखिए आपके सामने है दोस्तों मूसेंडा का पिंक वैरायटी, और मूसेंडा का रेड तो बहुत सेंसिटिव होता है लेकिन ये पिंक बहुत बढ़िया चलता है समर में,
और विंटर में इसका सारे पत्ते गिर गए थे दोस्तों, डोरमेंसी में था ये। लेकिन जैसे ही समर आया, देखिए इसमें नया नया ग्रोथ और फूल से भर गया है ये। और ये फूल लॉन्ग लास्टिंग वाला भी रहता है और बहुत प्यारा दिखता है दोस्तों। अगर समर में आप मोसेंडा का पिंक लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। देखिए बहुत सारा फूल आने को बाकी है और हर ब्रांच के टॉप पे आपको दिख जाएगा इसका फूल। तो इसका शुरुआत है दोस्तों, पूरे समर ये आपको फूलों से भरा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा स्टार मोगरा भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है और फूल सनलाइट में है ये। और देखिए डेली खिल रहा है। और ये देखिए पहले खिला था, ये आज खिला है। और इसे खिलने में भी 2 दिन लगता है दोस्तों, क्योंकि पेटल बहुत रहता है इसका। और खुशबू का क्या कहना, खुशबू भी जोरदार करता है। और दोस्तों इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। इस पर मैं अभी प्रूनिंग किया था, देखिए यहाँ से नया नया सूट आ रहा है और आगे और भी फूल देगा ये मुझे। इसके केयर के ऊपर और एक वीडियो मैं लाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है गार्डनिया। आज जितना भी मैं पौधा दिखाया, सबसे बेस्ट पौधा यही है। और देखिए बहुत प्यारा और बहुत बड़ा फूल देता है दोस्तों। समर में मेन अट्रैक्शन यही रहता है और इसे लगाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं इसे लगाने में। और इसे ज़्यादा अगर आप पानी देते हैं तो प्रॉब्लम है, कम देते हैं तो प्रॉब्लम है। और इसका मेंटेनेंस कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन ये बहुत बढ़िया और अट्रैक्टिव रहता है दोस्तों, इसीलिए लगाना इसे ज़रूर चाहिए। और इसका और फूल भी मैं दिखा रहा हूँ, चारों तरफ ये फूलों से भरा हुआ है। ये देखिए नया नया बर्ड्स भी आ रहे हैं। और कुछ कुछ देखिए यहाँ पे कैटरपिलर्स लगे थे, तो मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया तो वो सब चले गए। देखिए लीफ कटर भी कुछ लगे थे दोस्तों यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे और इसका फूल है, व्हाइट गुलाब जैसा ही आपको ये दिखेगा। और ये थाई वेराइटी का गार्डनिया है, तो हाइब्रिड है दोस्तों, बहुत बढ़िया फूल देता है। और आगे देखिए ये सब खिलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए रंगून क्रीपर मधुमालती का मेरा डबल वेराइटी, और इसमें भी फूल आना शुरू हो गया। ये भी गर्मी पसंद प्लांट है और विंटर में इसमें फूल नहीं आ रहे थे दोस्तों। जैसे ही देखिए स्प्रिंग और समर ये बहुत बढ़िया टाइम रहता है और ये फूलों से अभी भर जाएगा। और इसका एक स्पेशल वीडियो भी मैं लाऊंगा इसके ऊपर। तो देखिए चारों तरफ इसका बर्ड्स ही बर्ड्स दिखेंगे आपको, ये देखिए। और इसका अभी मेन सीजन रहता है, अभी अगर आप इसे थोड़ा फर्टिलाइजर ठीक से देते हैं तो फूलों से ये भर जाएगा पूरा। और प्लांट मेरा बहुत पुराना हो गया है, इसीलिए बहुत सारा फूल देने वाला है ये मुझे। और ये देखिए आपके सामने दोस्तों रातरानी भी बहुत बढ़िया प्लांट होता है और मेनली ये खुशबू के लिए जाना जाता है। इसका खुशबू दोस्तों बहुत बढ़िया होता है और बहुत दूर तक जाता है। समर के रातों में दोस्तों इसका खुशबू, मीनी मीनी खुशबू आता है। और फूल इसका लास्टिंग भी करता है दोस्तों 5-6 दिन तक। और जब भी खिलता है इसका आसपास खुशबू से भर देता है। तो ये प्लांट भी मुझे बहुत पसंद है और इसका दिन का राजा भी है, जो दिन में खुशबू देता है। लेकिन ये दोस्तों रात की रानी उससे ज़्यादा खिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में। और कुछ प्लांट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये देखिए ये है पोर्सलेन। पोर्सलेन भी दोस्तों गर्मियों में बहुत खिलता है और इजी टू केयर प्लांट है और फूल सनलाइट को बर्दाश्त करता है और 40-45 डिग्री में भी ये फ्लावरिंग करता है। और इसका कटिंग दोस्तों बहुत आसानी से प्रोपागेट हो जाता है, इसीलिए ये बहुत सस्ते में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। और इसका देखिए बाई कलर है, येलो में आता है इसका रेड स्ट्राइक। ये सब नया वेराइटी अभी निकलने लगा है दोस्तों, अगर ये आपको मिलता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। नर्सरी में इसका प्राइस होता है आपका 20-25 रुपया में आपको मिल जाएगा। और विंटर में इसका डोरमेंसी टाइम रहता है, तो अभी आप समर में इसे बाय करना बहुत बढ़िया रहेगा। कलर भी पता चल जाएगा आपको और इसका बहुत सारा कलर निकलता है, जैसे कि आपका पिंक, रेड, येलो, पर्पल, बहुत सारा कलर में आता है दोस्तों। और जितना दिन तक आपके एरिया में गर्मी रहेगा ये आपको फूल देता रहेगा। ये बारिश में भी खिलेगा और बारिश के लास्ट में भी दोस्तों, यानी कि अक्टूबर तक ये फूल दे देता है। बस विंटर में ये 3 महीना आपको फूल नहीं देगा। तो ये सब प्लांट आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा प्लूमेरिया का ड्वार्फ वैरायटी है ये।
और ये भी ये देखिए बंचेस में फ्लावरिंग करता है, एक स्टिक आता है और वहां से नॉनस्टॉप फूल खिलता रहता है 2-3 महीने तक। और समर के लिए दोस्तों बेस्ट चॉइस है प्लूमेरिया, और ये सेंटेड भी रहता है तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये सब पौधे आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर ऐसे नए नए वीडियो और जानकारियां मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।